हेलो, चलो ख़त्म करते हैं। क्या तो कौन मिल नहीं पाया, कौन मिल नहीं पाया इसे थोड़ी तो को हमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। एग्जाम्पल्स रह गए हैं, केवल हमारे इसको करते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 13। 87 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन इज मेजर्ड एट 90 डिग्री सेल्सियस एंड 69 mm Hg प्रेशर। यानी आपको सर घीले नाइट्रोजन पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डीपी यूनिट एसटीपी। सर ड्राई नाइट्रोजन का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही देना। सर स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड के लिए आपको यूनिट याद होनी चाहिए। अब उन्होंने आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, जो आपको याद होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और प्रेशर 180 या फिर 760 cm mmHg है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अभी आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे अपने आप ही। और दबाव यानी ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, यानी फाइनली P1V1 upon T1 तो लगेगा, ये वाला भी लगेगा, एक्चुअल प्रेशर वाला है ना। यहाँ पे तीन दोनों फॉर्मूला लगेंगे। तो पहले तो उन्होंने निकाला प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर, प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर कैसे निकाला, 6 9 ये क्या क्या उन्होंने। उन्होंने कहा जो वेपर प्रेशर है ना वाटर का, वो 9 डिग्री सेल्सियस पर 9 mm है। ये जो वेपर प्रेशर था किसका था, वाटर का, यानी कि इसके अंदर अगर मैं पानी निकाल दूँ तो सूखा, अगर पानी निकाल दूँ तो सूखा आ जाएगा मेरे पास। अगर इसमें से मैं क्या निकाल दूँ, पानी निकाल दूँ, सूखा प्रेशर आ जाएगा मेरे पास सूखी नाइट्रोजन का, और ड्राई नाइट्रोजन को निकल से मॉइस्चर, मॉइस्ट में से मॉइस्चर माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया। ठीक है, इससे आपको ये प्रूफ हो गया, इससे आपको क्लियर हो गया कि सर जो भी मैं P1 वाला फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे ड्राई एयर आता है, यहाँ पे क्या आता है, ड्राई में प्रेशर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ना कि मॉइस्ट गैस है ना। आप P1 P2 वाला फॉर्म लगा दिया उन्होंने, सॉल्व कर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको है ना, ये पड़ी अगर कहूँ तो फिर यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कि वाली जगह पे है ना, वो लॉजिकल भी था, आप याद भी नहीं करोगे तो हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आप होमवर्क में कर ही लेना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सैटरडे संडे तो सारे कर लो, क्योंकि अगर संडे को क्वेश्चन होगी, क्वेरी होगी ना, तो हम लाइव क्लास में करता भी लेंगे। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैसेस एन डीएम 1 डीएम फ्लास्क को एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जिटेड बाय द गैस, प्रेशर निकालना है, पी निकालना है, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई इतना, इट इज एसटीपी। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें 60 ग्राम का क्या दिया हुआ है ऑफ ऑक्सीजन गैस। सर मास की पड़ती क्या हमें, अभी तक तो नहीं पड़ी, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको एनक्लोज्ड इन 1 dm फ्लास्क है ना, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के एक एटम में 16 ग्राम का है मास है इन 1 dm फ्लास्क का, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको। कैलकुलेट प्रेशर एग्जिटेड बाय द गैस, देखो आपको अब इनको लिखते हैं, यहाँ पे एम लिखो, ये एम लिखा हुआ है, टू से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है ओ टू, लेकिन इसने क्यों सिंगल दिए ना, इसने क्यों सिंगल ओ की होती है, तो ओ टू की वैल्यू कितनी होगी, टू से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ गया। ठीक है, उसने आपको एरिया भी बता दिया जो दिया हुआ है, कि जो वो गैस जो है ना, एक कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी, 24 22.4 लीटर। ठीक है, आपको पहले वॉल्यूम, अब आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना ये वॉल्यूम, इसे उन्होंने निकालना ये वॉल्यूम निकाला है, एरिया अपॉन मास, एरिया अपॉन ना वॉल्यूम, ठीक है, निकालना ना वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम निकला वो इतना आया वॉल्यूम, आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम ये आ गया और एक वॉल्यूम आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो P1 180 mm, P2 नहीं दिया हुआ, V1 आपको 11.2 वहाँ से दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये निकलेगा ना वॉल्यूम हमारा, ये हमारा P1 निकला है, V1 निकला, सॉरी,
और v2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये v2 आपको दिया हुआ है ठीक है, और t1 आपको दिया हुआ है नॉर्मल, और t2 आपको नहीं। देखो इन्होंने क्या किया है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो ठीक है। इन्होंने जो ऑलरेडी जो चीज़ें टू टू वाली चीज़ मान ली है, और जो मतलब जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें उसको तो टू टू मान ली है, टू टू नहीं सारी वन वन वाली, और जो स्टैंडर्ड नहीं है जो नॉन स्टैंडर्ड है उनको उन्होंने टू टू मान लिया है ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड वाली जो 22.4 को उन्होंने वन वाली कैटेगरी में इंक्लूड किया हुआ है ठीक है। आपका इक्वेशन उन्होंने लगा दिया, पूरा सॉल्व हो चुका है, हो जाएगा आपका है ना इजीली सॉल्व। ठीक है आप आराम से कर लेना इसको, और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, संडे को लाइव कर लेंगे सारे क्वेश्चन।